तो अभी मैं हूँ क्यून एलिजाबेथ लुकआउट पॉइंट पे और यहाँ से हम आज ट्रैक करने वाले हैं प्रिंस हेनरी ट्रैक को फॉलो करेंगे। तो बेसिकली इसमें आप स्नोफॉल का व्यू देखने वाले हो तो मज़ा आएगा आपको। बाकी सीनिक व्यू के लिए मैं एक दूसरा अलग व्लॉग बनाऊंगा, पर इसमें स्नोफॉल के मज़े लो और एक्सपीरियंस करो इस ट्रैक को, काफ़ी बढ़िया ट्रैक है और मज़ा आएगा आपको। लेट्स सी ये ट्रैक हमें कहाँ लेके जाता है। बीच में आपको यहाँ पे एक ब्रिज मिलेगा और ये काफ़ी खूबसूरत ब्रिज है। बाकी वाटरफॉल है मेरे पीछे, पर बर्फ़ के कारण ये इतना दिख नहीं रहा, स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो हम कर रहे हैं प्रिंस हेनरी क्लिफ वॉक और अभी हम आगे हैं लेडी डाले लुकआउट और फ्रॉम क्यून एलिजाबेथ लुकआउट से। तो अभी हम जा रहे हैं कुटुंबा कास्केड्स फॉल रिजर्व्स, जो है 20 मिनट अवे फ्रॉम दिस प्लेस। तो जाके देखते हैं ट्रैक, देखो काफ़ी गजब का है। तो आपको यहाँ पे ऐसे मेटल की पौड़ियाँ मिलेगी जो काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो सकती है इन अ स्नोफॉल और रेनी डे, तो संभल के। बाकी ये रास्ता ऐसा है कि बस यहाँ पर ढलान भी है, कहीं कहीं सीमेंटेड भी है, कहीं कहीं आपको खुद संभल के चलने की जरूरत भी है। दोनों साइड खाई है तो ये नहीं कह रहा, मैं तो मजाक नहीं कर रहा, सच में कह रहा हूँ, कहावत नहीं मार रहा मैं आपको इस मौसम में। Yeah, you can. No problem. गाइस, ये बात मैंने आपसे पहले भी करनी थी तो अब भी बता देता हूँ कि मैंने लिए थे काठमांडू शूज़, जो ट्रैकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, वाटरप्रूफ है और जितनी वाइल्ड ट्रैकिंग मैं करता हूँ तो उसमें कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर ये इस तरह के शूज़ मेरे पास नहीं होते तो बिलीव मी ट्रैकिंग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अच्छे शूज़ पहनना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर रास्ता है काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी और जैसे कि आप मौसम देख रहे हो, कभी बर्फ़, कभी धूप, कभी पानी, तो कभी ढलान, तो कभी ऊंचाई पे होते हैं, तो रिस्क फैक्टर हमेशा कहीं ना कहीं रहता है। तो अच्छे इक्विपमेंट्स होना, अच्छे गैजेट्स होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब आप ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो। और ट्रैकिंग
में बस एक चीज़ चाहिए, हिम्मत और डेडिकेशन। और बिलीव मी, मज़ेदार एक्सपीरियंस रहेगा। आगे का व्यू काफ़ी गजब का है, तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। नज़ारे लो, मज़े लो। टोटल अभी आधा रास्ता हमने कवर कर लिया, मतलब 10 मिनट का रास्ता रह गया, और उसके बाद हमें वाटरफॉल देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि मिले, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉग है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। 4-5 बजे के पास यहाँ पे फोरकास्ट है कि काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि स्नोफॉल हो सकती है, तो उससे पहले हमें ऊपर पहुँचना है सेफ जोन में। तो चलो जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं।
टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लो है, -3 डिग्री टेम्परेचर अभी। और ये है कि जब आप ऐसी लॉन्ग वॉक करते हो उसमें काफ़ी ज़्यादा हिम्मत की रिक्वायरमेंट होती है और एक डेडिकेशन, वो हो तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। तो मुझे लग रहा है हम कोई दूसरे लुकआउट पॉइंट पे पहुंच गए हैं, तो वहाँ पे जाते हैं और उसके आगे देखते हैं हमें क्या मिलता है देखने को। अभी हम हैं प्रिंस हेनरी क्लिफ वॉक, जो हम अभी ट्रैक फॉलो कर रहे हैं। बाकी जो आप मेरे पीछे ये देख रहे हो, यहाँ से आपको सीनिक वर्ल्ड के स्टेयर्स वगैरह सारी मिलेगी। यहाँ से आपको टिम्बल ट्रेन, आपको पता होगा, तो ऐसी सर्विसेज मिलेगी। तो यहाँ से सीनिक व्यू से ये होगा कि इसमें बैठ के आप यहाँ पे ऊपर से ये सब देख सकते हो, तो काफ़ी कह सकते हैं कि रोमांचक रहेगा आपका इसका सफ़र। हम करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, चिंता मत करो, जो मैं छोड़ूंगा हर चीज़ करेंगे, पर स्टेप बाय स्टेप। अभी ये ट्रैक देखो जो चल रहा है और इसके लुफ्त उठाओ, बाद में हम किसी अच्छे दिन आके ये ट्रैक मैं फिर से कवर करूँगा, तो जिससे आपको जो आसपास के सीनिक व्यू है वो भी दिखे। बाकी ये प्लान है कि अभी मजे लो, बात की बाद में देखेंगे। मेरे हाथ पूरे लाल पड़ गए और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल मतलब हो रखा है, तो अभी लेट्स सी कितने दूर रह गया, क्योंकि मैं ग्लव्स नहीं पहन सकता। जब हम गिम्बल वगैरह कंट्रोल करते हैं तो उस टाइम पे आपको काफ़ी फ्लेक्सिबल मतलब बटन्स वगैरह मूव करने होते हैं, तो उस टाइम पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। वैसे ये है कि हम देख पाएंगे, तो देखो
तो फाइनली हम पहुंच गए अपनी लास्ट डेस्टिनेशन पे, अपना पूरा ट्रैक ख़त्म करके फ्रॉम इको पॉइंट टू वाटरफॉल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया है, और बाकी माउंटेन की काफ़ी वीडियोस आने वाली है, देखना मत भूलना और काफ़ी एक्साइटिंग होगी। ये मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी क्योंकि आज कहते हैं कि यहाँ पे स्नोफॉल होनी थी, तो मेरा प्लान था क्यों ना आज आपको स्नोफॉल के थोड़ी सी एक वॉकिंग टूर दे दिया जाए। बाकी इतना ये कहते हैं कि इंफॉर्मेशनल मैंने इसको बनाया नहीं है, जस्ट नॉर्मल वॉकिंग टूर रखा है, जिससे आपको भी एक आइडिया हो जाए कि यहाँ पे ये ब्लू माउंटेन स्नोई वेदर में कैसा होता है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आए तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल जेनेक्स ट्रैवल ट्यूब। और आने वाली वीडियोस देखना मत भूलना क्योंकि ब्लू माउंटेंस की काफ़ी वीडियो आएगी, हम काफ़ी एक्सप्लोर करने वाले हैं ब्लू माउंटेंस को, तो बहुत कुछ है दिखाने के लिए और बहुत कुछ है बताने के लिए। तो बेल आइकन दबा दो जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ के साथ मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सारे प्लेटफॉर्म पे हूँ, जाके सेम नेम है जेनेक्स ट्रैवल ट्यूब, जाके चेक करो। और बाकी कोई डाउट वगैरह हो या आपको कुछ अच्छा लगा हो या कुछ देखना चाहते हो ब्लू माउंटेन में तो कमेंट बॉक्स में बताओ, और अगर आपको अच्छा लगा तो भी बताओ कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ब्लू माउंटेन की सीरीज़ चल रही है ये, तो इसमें काफ़ी मैं वीडियोस लेके आता रहूँगा, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी।